हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत 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 अच्छे से होंगे। और बस दिन का ब्लॉग मैंने डाल दिया है मेन चैनल, मतलब लखनऊ में रुचि चैनल पे, उस पर जाइएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। और ये मैं शाम से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, 7 बज गया है। और बस हमें जाना है अभी गन्नू को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए, क्योंकि गन्नू की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अभी बस यही लग रहा है कि यार इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा हमारा सारा का सारा काम ना ऐसे ही सुस्ती वाला हो रखा है और कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। बच्चे की जब तबीयत ठीक नहीं होती तो सही में बिल्कुल भी कुछ करने का ना मन नहीं करता है। और अब ये गन्नू क्या कह रहे हैं कि जो नया वाला लैपटॉप आया है मम्मा, ये तो मेरा होना चाहिए, क्योंकि आपका और पापा का तो था पहले से, तो ये वाला जो लैपटॉप है ये मेरा होना चाहिए। तो अभी उसको समझा रहे होने का, नहीं बेटा तुम्हारे लिए भी मंगवा देंगे। और आज रेशम बहुत देर में आई है बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि आज शायद ये मार्केट में थी, इसलिए आज इसको बहुत लेट हो गया है। पीछे पीछे जूली मैडम आ गई है हमारी। और बस क्या हुआ, कपड़े फैलाए नहीं थे मेरे, मेरे को लगा फैलाने हैं, बट मौसम बहुत ख़राब हो रखा था तो मैंने कपड़े फैलाए नहीं। अब मैं शाम में जाऊँ, रात में नहीं फैलाऊंगी, अंदर तार मैंने यहाँ पे बांधा हुआ है ना, वहाँ पे जाके फैला दूंगी कपड़े, तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और ये देखो एक गिलास यहाँ रखी है, इसको धोने के लिए निकालते हैं। बस यार गन्नू जल्दी से ठीक हो जाए, गन्नू ठीक नहीं होते ना तो हमारी बिल्कुल सांस ऊपर नीचे रहती है, क्योंकि आपको पता है जिन बच्चों के फीट्स वगैरह आते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो बुखार बहुत तेज़ होता है तब फीट्स आने का डर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और हम बस उसी डर से, मुझे क्या हुआ क्या चाहिए, तो उसी डर से बस हम लोगों को लग रहा है कि यार उसको ना फीट्स नहीं आना चाहिए, तो फिर तो बुखार भगवान जल्दी से ठीक कर देते। चलो डॉक्टर के यहाँ दवा लेके आते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा किचन वगैरह है जो साफ हो जाए। फिर से खाने में बन रहा है, ओह सॉरी। अब ठीक है, आलू की भुजिया, उससे बन गई है दाल, और ऑलमोस्ट मेरा किचन हो गया है क्लीन। और आज मैंने पता है सारी जितनी भी मेरी साड़ियाँ थी सारी की सारी मैंने, हाँ रोटी भैया से पूछो यार, हम तो खाएंगे नहीं यार, मेरा बिल्कुल मन नहीं, रहने दो, क्योंकि मेरा ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा रोटी खाने का। मैं अगर खाऊंगी भी तो थोड़ा सा दाल चावल बस, इससे ज़्यादा कुछ खाने की हिम्मत है नहीं। और अब वही वाला हाल हो गया जो पहले वाला हाल था, काम खत्म हो गया तुम्हारा तो चले थोड़ा सा रुक जाओ, काम बचा है, यही चीज़ थी। लेकिन ठीक है, पता है अच्छा था, ये लाइफ भी अच्छी थी, वो लाइफ भी अच्छी है, बिकॉज किसी भी चीज़ को हम रिग्रेट तो कर नहीं सकते, जो भी था। और वो लाइफ सच में बहुत अच्छी थी, क्योंकि उस टाइम पे शायद कहीं ना कहीं नीड थी कि ये घर पे रहें और हम मिलके काम करें, अपना यूट्यूब संभालें, अपनी बाकी चीज़ें संभालें, अपना घर परिवार संभालें। तो वो वाला फेस था वो भी अच्छे से निकल गया, जिसमें आपको पता है हिरम को कितनी ज़्यादा हमारी ज़रूरत है। और अभी भी आप देख रहे हो ना, जैसे कि आज अगर हिरम की इतनी तबीयत ख़राब हो गई, तो अगर ये बाहर कहीं ऑफिस जा रहे होते ना तो सच्ची बता रही हूँ बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जब कभी जिद पे आ जाता है बच्चा, आपको पता है रोने लगता है, कुछ भी करने लगता है, फिर आपके दिमाग में बस एक वही डर बैठा रहता है ना। अब जैसे देखो दो चीज़ें रहती है, एक नॉर्मल बच्चा रोता है आराम से, तो वो बहुत ज़्यादा रोता है तो उसके पेरेंट्स को बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर अभी गन्नू रोना शुरू कर दे, गन्नू को फीवर आ जाए, गन्नू को कोई परेशानी हो जाए, तब
हमारे साथ में सबसे बड़ी टेंशन ये रहती है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, फीड्स ना आ जाए या कोई और चीज़ ना आ जाए, भगवान करे नहीं है, इसलिए मैं अब इस बारे में ना सोचती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो इसलिए था, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि भगवान की दया से मिल भी गई है। और माता रानी सच्ची में, माता रानी कभी मेरी झोली खाली नहीं देती, तो माता रानी से जब मैं कुछ मांगती हूँ ना हमेशा पूरा करती हैं। और रही बात परिवार की परेशानियाँ खुशियाँ, वो तो यार देखो जो लिखा है वो तो होना ही है, तो उसको चाहे हंस के बिता लो, चाहे रो के बिता लो, चाहे जैसे बिता लो, वो तो आपको काटनी ही पड़ेगी, तो ज़िंदगी है काटनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसको हंस के काटी जाए। और पापा की भी कभी 2 दिन से थोड़ी सी उलझी सी लग रही थी, बट अभी पापा की तबीयत भी थोड़ा सा ठीक है, ने कहा चलो अच्छा है, अभी रिलैक्स फील हो रहा है हमें। एक साड़ी मुझे सामने दिखाई दे रही है, वो शायद मैं दे नहीं पाई हूँ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ी अच्छी सी साड़ी है, बट इसको मुझे ना बनवाना है, उसको मैं दिखाती हूँ। ये देखो ये वाली साड़ी है, और ये वही साड़ियाँ हैं जो चिकनकारी की साड़ियाँ थी उस टाइम की रखी हुई थी। मैं कहा नहीं यार अब मैं सारी साड़ियाँ बनाऊँ, अब मैं बताती हूँ। देखो पता है जब हुआ ना तो मैंने कहा कि मतलब अभी सब कुछ अच्छा से हो जाए, और मुझे लगा कि नहीं अभी हमारी लाइफ ना पटरी पे आ गई, अभी गन्नू भी काफ़ी हद तक सही है, सब कुछ चीज़ें अच्छी हैं, पापा की तबीयत भी काफ़ी हद तक सही है, अब हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। ऐसी वाली फीलिंग आई हमें कि अब अपना काम हमें शुरू करना चाहिए, तो हमने कहा ठीक है। तो इन्होंने फिर हमने ढूंढना शुरू किया, 1 से 1.5 महीना लगा। ऐसा नहीं है अगर जैसे कि इन्हें जॉब चाहते तो तुरंत मिल जाती, बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाती, बट हम चाहते थे कि इनको जिस मतलब जिस पोस्ट पे जिस जगह ये चाहते हैं वहाँ पे हो जाए, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा इंतज़ार किया, 1 से 2 महीने को ऑब्वियसली इंतज़ार करना पड़ा हमें। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि पता नहीं क्यों मैंने मन ही मन ऐसे ही कहा कि नहीं अब मैं साड़ियाँ पहनूंगी, अब आपने देखा होगा ठीक है, और मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे। अब हम मैंने ये चीज़ 2000 जनवरी में ही मतलब 24 जैसे शुरू हुआ ना वैसे ही मैंने ये सोच लिया था कि अब अपनी लाइफ स्टाइल को हमें थोड़ा सा चेंज करना है, बहुत हो गई सारी चीज़ें, अब हम थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ अच्छे से करेंगे। तो जनवरी तुरंत तो नहीं आता है यार, टाइम लगता थोड़ा सा, जनवरी बहुत ज़्यादा ठंड थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहा, लेकिन फरवरी आते आते कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को बहुत हद तक नॉर्मल पटरी पर जिसको कहते हैं ले आए। बट एक चीज़ रहती है, जब आपकी टाइम शेड्यूल जब आपका फिक्स नहीं होता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। गन्नू की भी छुट्टियां चल रही थी तो हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, उसके बाद हम आराम से करेंगे। फिर अभी जैसे ये ना टाइम शेड्यूल बिल्कुल फिक्स हो गया है तो काफ़ी अच्छा है। ये वाली साड़ी मैं अपने लिए बनवा रही हूँ, ये ब्लैक कलर की साड़ी जो काफ़ी अच्छी है, ऑब्वियसली चिकनकारी की साड़ी थी, तो इसको देखो आज मैं भूल गई फॉल पिको के देने के लिए, वरना मैं दे देती आज फॉल पिको करने के लिए। तो ये है, अच्छी लगेगी ना, और जब ये बनेगी तो बहुत सुंदर लगेगी। और ये ऑल बिल्कुल इसका ब्लाउज मैं वैसे ही बनवाऊंगी जैसे मैंने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी ना राजू का जो होटल का इनॉग्रेशन था उस दिन पहनी थी ना, वैसे ही ये साड़ी बनवानी है मुझे। और इसमें भी अभी ब्लाउज पीस इसमें है, ये देखो है ना ब्लाउज पीस है। ब्लाउज पीस अलग से निकालने का ना एक चीज़ का फायदा है हमें, वो ये रहता है कि आपको ना ब्लाउज पीस अगर अलग से निकलवा लेती हूँ ना तो साड़ी थोड़ी सी मेरी लंबी हो जाती है। जैसे कि ये साड़ी का ब्लाउज अगर मैं इतना यहाँ से निकलवाऊंगी तो साड़ी मतलब मैं क्या करती हूँ ना अपनी स्लीव जितनी बनवानी है फुल स्लीव क्वार्टर स्लीव बनवा रही हूँ तो उतना कपड़ा यहाँ तक का छोड़ के इतना कपड़ा मेरा ये साड़ी में आ जाता है। तो इतना कपड़ा मेरा जब उसमें आ जाएगा तो मेरी साड़ी में 2 प्लीट ज़्यादा बन जाएगी, लंबी हो जाएगी। और इसके साथ यही है, मैं चाहूँ तो इसमें वाइट कपड़ा भी लगवा सकती हूँ बीच में जैसे कि मैंने बताया था, और चाहूँ तो इसमें ब्लैक लगवा सकती हूँ। अभी यही चीज़ सोच रही थी इसमें ब्लैक लगवाऊँ या वाइट लगवाऊँ, फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसमें ब्लैक लगवाऊँगी तो ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, और वाइट वैसे मेरे पास ब्लाउजेज हैं जिसे मैं पहनूंगी, और बहुत सारे काट के आज सब रख दिए हैं जिसको मैं कल दे दूंगी। और फिर इसमें इस वजह से ये बन जाता है, पता है क्यों? क्योंकि जो इसमें स्लीव्स का काम दिया है वो यहाँ पे नीचे काम दिया हुआ है, तो नीचे काम देने का एक चीज़ अच्छा ही रहती है कि आप नीचे से काट लो। और ये आ गई मेरी स्लीव्स अच्छी सी, ये यहाँ पे ऐसे करके स्लीव्स आ जाएंगी तो ये काफ़ी सुंदर सी लगेगी। तो ये वाली साड़ी मैं अपने लिए तैयार कर रही हूँ, इसका जो काम है वो बहुत अच्छा है, इसमें फ्लावर्स बने हुए हैं, दिख रहे हैं ना आपको साड़ी, ये फ्लावर्स में बहुत अच्छे। मैं आपको ब्लू वाला रुको ना ब्लाउज दिखाती हूँ 1 मिनट। हाँ यही होता है, पता है एक जैसे साड़ी अभी खोली ना तो खलारा पड़ेगा, देख लो सारे का सारा सब बिखरा हो गया। देखो ये वाला ब्लाउज मैंने सिलवाया था, अभी मैंने क्या किया था
क्योंकि ब्लाउज का इतना कपड़ा नहीं होता कि इतनी स्लीव्स निकल जाए, मुश्किल होता है थोड़ा सा इतनी स्लीव्स निकलने के लिए। तो मैंने क्या किया, ये देखो इतनी स्लीव्स निकलवा दी सेम उसी पैटर्न पे जिसमें मैं बता रही हूँ, ऐसे सिलवाना है, स्लीव्स निकलवा दी। और ये मैं उसका रूबिया का कपड़ा ले आई थी जो ये आगे एंड ये पीछे बन गया, तो पहनने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और जैसे मेरा मन था कि फुल स्लीव्स बन जाए वो चीज़ भी बन गई थी। तो ये वाला जो मेरा ब्लाउज है बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छा सिला है, पास में मेरा टेलर है वो सिलती हैं तो उनसे सिलवाया मैंने ये वाला ब्लाउज, बहुत अच्छा सिला है। इसी ब्लाउज को मैं दे दूँगी फिटिंग के हिसाब से और बाकी के जो कपड़े हैं ना वो भी सिल के इसी ब्लाउज के हिसाब से आ जाएंगे। तो ये वाला ब्लाउज ना काफ़ी अच्छा सा बन गया है, ये वाले ब्लाउजेस इसके सबके बनवा दूंगी, फिर मैं वन बाय वन आप लोगों को साड़ियाँ सारी दिखाऊंगी जब तैयार होके आ जाएंगी। और मैं 4 से 5 दिन हो गया तब से मैं सोच रही रोज़ दे आऊँगी लेकिन मैं भूल जा रही हूँ, बट कल मैं सबसे पहला काम यही करूँगी कि मैं जाके अपने सारे ब्लाउजेस दे दूँगी ताकि एक एक करके ब्लाउज सिल के आ जाएंगे। अभी ये इसको गला ना खींचे जा रहे हैं इसलिए मेरी आदत हो रही है ऐसे इसको खींचने की, और कोई दिक्कत नहीं है, बस लोग कहेंगे तुम ऐसे 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 क्यों कर रही हो, बस इसी वजह से। इसका ना एक और ब्लाउज सिलवाया था जो मैंने येलो वाली साड़ी पे पहना था, ये स्लीवलेस था बट अभी पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा स्लीवलेस पहनने का, तो मैंने कहा नहीं अब फुल स्लीव्स का ब्लाउज सिलवाऊंगी। तो इसमें इन्होंने गलती कर दी ना, वो हुक नहीं लगाए, वैसे उसमें हुक लगाए हैं तो जिससे कि आपकी जो ब्रा स्टेप है वो बाहर नहीं आती है। तो ये वाला ब्लाउज तो बहुत ही सिंपल सा ऐसे ही सिलवाया था वी नेक का, और जैसे कि आपको पता है कि अगर थोड़ा सा भी हैवी ब्रेस्ट हो ना कोशिश करिए 5 शेप का सिलवाइए, तो उससे ना ब्रेस्ट अगर हैवी है तो आपका ब्लाउज जो है वो अच्छा सा आ जाता है। और यहाँ पर मैंने सब कुछ भर के रख दिया है जिसको अभी कल मैं दे आऊँगी तो काफ़ी हद तक ये भी सब साफ़ हो जाएगा। अब बहुत बड़ी सर से टेंशन हट गई है, तो अब मेरा मेन जो अभी ये है दिमाग में कि अब मुझे अपना घर सजाना है अच्छे से, अब मुझे अपने घर में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है। तो अब धीरे 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 अपने घर की तरफ मैं ध्यान देने वाली हूँ कि अपने घर में एक एक चीज़ काफ़ी अच्छे से हो जाए सारी, मतलब ड्राइंग रूम से क्या मैं बालकनी से शुरू करने वाली हूँ कि बालकनी से शुरू करूँगी धीरे 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 धीरे, फिर बाहर से आते आते अंदर सारी चीज़ें अच्छे से कर लेंगे। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसी वजह से क्या हो रहा है कि 2-3 दिन से ना ये भी बाहर नहीं जा पा रहे सब्जी वगैरह लाने के लिए, तो सब्जी में कुछ खास है नहीं। तो इनका कहना था कि मैं कल परसों जाऊंगा, मतलब कल जाऊंगा तो मैं सब्जियां लेके आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है कल आप जाना तो सब्जियां ले आना, तो कल सब्जी वगैरह आ जाएगी तो सबको धो धा के रख देनी है। और बस परसों से जूली, मतलब 24 तारीख से जूली छुट्टी पे जा रही है 1 महीने की। मैंने कहा ठीक है यार, वो बेचारी काम करते थे थक गई, मैंने कहा ठीक है जी लो अपनी जिंदगी वाले जी लो अपनी जिंदगी। पहुंच गए डॉक्टर साहब, बैठे हैं वेट कर रहे हैं, नीरम भी बैठ के वेट कर रहा है, बहुत तबीयत खराब है लोगों की वाले है ना एलम, पापा चल ज़्यादा हो गई है। ये हमारी गाड़ी पंचर है, क्या हो गया ऐसे पता चलता है भैया जी को कि पंचर है या नहीं है, ऐसे पता चलता है? हम तो पहली बार देख रहे भैया। है पंचर? हाँ है मिल गया। हाँ कहाँ मिला, कहाँ तुम ही बना दो पंचर। मैं देख रही हूँ पहली बार कैसे बनाया। अच्छा कभी देखा नहीं है? नहीं यार कभी नहीं देखा। तो कील निकाल तुमने क्या जिंदगी भुका, इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं दिया है तुमने। निकालेंगे कैसे अभी, हो रहे सब हथियार है ना ये छोटे छोटे, अभी 2 मिनट में देखा कैसे पंचर बनती है। हाँ हाँ क्या हो गया, हाँ बेटा। तो आ गए अभी हम लोग घर, और ये जो जद्दोजहद आप सुन रहे हो ना ये गन्नू को दवा पिलाने की है,
बस इसी वजह से हम थोड़ा सा ना अवॉइड करते हैं कि यार इसको बीमार ना हो, क्योंकि वैसे ये दिन में दो बार दवा पीता है सुबह शाम, और उसके बाद अगर ये दवा पीनी पड़ जाती है तो इसको बड़ी आफत हो जाती है। आते ही मैंने चावल चढ़ा दिया, क्या हो गया? नहीं नहीं रोते जाओ, ये और वो ये तो दूसरी दवाई है। ओ हाँ, इसमें तो पानी है साथ में, कल पिला रहा है। ये फायदा कर जाए और आप बुखार चढ़ जाए। मेरा बेटा 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 मेरा मम्मा है मम्मा है मम्मा है मम्मा क्या।